क्या आपने कभी कोई चमत्कार देखा है? हाँ, आपने जरूर देखा होगा, लेकिन सिर्फ फिल्मों में। लेकिन आप सभी ये मानते होंगे कि ये सारे चमत्कार रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये फिल्मों में ही ठीक हैं। पर आप गलत हैं। ऐसे कई चमत्कार हैं जो कि हमारे सोच से भी परे हैं, जो कि असलियत में हुए हैं। और ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 की कहानी कुछ ऐसी ही है। और आज की इस मज़ेदार वीडियो में मैं आपको इस फ्लाइट की सबसे रोचक कहानी बताऊंगा। 20 जून 1991 को ब्रिटिश एयरवेज फ्लाइट 5390 ने बर्मिंघम से मलागा के लिए उड़ान भरी और उस प्लेन की जर्नी एज यूजुअल चल रही थी। लेकिन तभी अचानक से कॉकपिट में पायलट के बगल वाली एक खिड़की टूट गई। उस समय उस एयरवेज के पायलट थे टिम लैंगस्टर। बाहर का हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि उसने पायलट को अपनी ओर खींच लिया और कैप्टन टिम खिड़की के बाहर उड़ गए। जब वहाँ के दूसरे क्रू मेंबर्स ने इसे देखा तो वो कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए। लेकिन नाइगल ओगडेन नाम के क्रू मेंबर ने कैप्टन टिम के पैरों को पकड़ लिया। दोस्तों, उस समय वो प्लेन 5000 मीटर के हाइट पे था और वहाँ का तापमान -17 डिग्री सेल्सियस था और उस प्लेन की रफ्तार 600 किलोमीटर पर आवर थी। कुछ देर तक तो नाइगल ने कैप्टन टिम के पैर पकड़े, लेकिन बाहर के भारी दबाव के कारण वो भी थक गए। तभी बाकी सारे लोगों ने नाइगल की सहायता की और उन्होंने भी आके कैप्टन टिम के पैर पकड़ लिए और सारे लोग उन्हें खिड़की से अंदर खींचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इतने भारी दबाव में कैप्टन टिम को अंदर खींचना बिल्कुल नामुमकिन साबित हो रहा था। बाहर से कैप्टन का सिर बार बार प्लेन पे टकरा रहा था और उनका शरीर पूरी तरह से फ्रीज होते जा रहा था। क्रू के कुछ मेंबर्स को लगा कि अब कैप्टन टिम वहीं पे मर जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कैप्टन टिम के पैर को नहीं छोड़ा। प्लेन के अंदर बैठे लोग बहुत डर गए थे क्योंकि प्लेन अनबैलेंस्ड हो रहा था। तब को पायलट और बाकी मेंबर्स ने डिसाइड किया कि अब इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी होगी और उन्होंने बिना ATC टावर से परमिशन लिए प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग शुरू कर दी। वो यूनाइटेड किंगडम के साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहे थे और उस समय भी पायलट टीम उस प्लेन के बाहर ही थे। लेकिन प्लेन की लैंडिंग सक्सेसफुल हुई और पायलट टीम को बाहर उतारा गया। कैप्टन टिम बिल्कुल मरने की स्थिति में थे क्योंकि वो 22 मिनट तक ऐसी स्थिति में थे जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और 5 महीने तक उनका इलाज चला, लेकिन 5 महीने बाद वो फिर से प्लेन उड़ाने लगे। लेकिन उनका ये एक्सपीरियंस कोई सपने में भी सोच नहीं सकता है। और ये पूरी कहानी सुन के आपको तो लग रहा होगा कि ये कोई फिल्मी कहानी है, ऐसा रियलिटी में हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल रियल इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट के बाद सभी क्रू ऑफिशियल्स को अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों, भविष्य में और ऐसी मजेदार और रहस्यमय कहानियों को सुनने के लिए नॉलेज भूमि को सब्सक्राइब कीजिए। एक और ऐसी ही कहानी के साथ हम जल्द मिलेंगे।